सावधान विषम सावधान विषम सावधान। जैसे फिल्म डायरेक्टर का सभी लोग तालियां बजाएं। हिमाचल यमुना गंगा उछल झलक तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष माने गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय माता की वंदे मातरम वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। 26 जनवरी 26 जनवरी महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद। भारत माता की भारत माता। तो आज गणतंत्र दिवस है, ठीक है। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र यानी गण मतलब होता है हम लोग, यानी जो व्यक्ति व्यक्तियों के द्वारा चुना हुआ तंत्र, ऐसा सिस्टम जो व्यक्तियों के द्वारा चुना हुआ। यानी पहले सबसे पहले क्या था? राजशाही है ना, उसके बाद गणतंत्र। गणतंत्र जब आया तो मतलब 26 जनवरी के दिन हमारा क्या हुआ था कि आज ही दिन सारे जितने मतलब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो उसी दिन से जो है गणतंत्र दिवस मनाने के लिए मतलब कहा गया। इसके पीछे तक ये था कि 26 जनवरी 1930 में एक जन्म स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो उसके जो उस चीज़ को याद रखने के लिए हमने जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मनाने का मतलब विचार किया, ठीक है। तो इस हमारे स्वतंत्रता के लिए पता नहीं कितने नोन अननोन है ना, कितने लोगों ने मतलब अपने प्राणों की आहुति दी ना। तो हम लोग उनकी याद के लिए जो है यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और उनको याद करते हैं, ताकि हम जो है वो उनके जो बलिदान हैं उनको याद कर सकें और उनसे हम कुछ शिक्षित हो सकें, उनके कुछ हम ज्ञान जो चीज़ वो मतलब कर गए हैं तो उस चीज़ को हम हर करके हम उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, है ना। तो अभी हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं अभी पढ़ेंगे लिखेंगे आगे, सबके सबका एक एम है, जो उद्देश्य है कि हमको ये बनना है, हमको ये करना है, है ना। तो हमको जो है जो हमारे शहीद लोग हमारे लिए शहीद हुए, हम लोगों उनसे कितनी हमको प्रेरणा मिली है, और हम कोशिश करते हैं कि उनके बलिदानों को याद रखें और आगे बढ़ते जाएं, है ना। तो किसी ने बलिदान दिया है और वो बलिदान दिया है तो उसका जो है जब उन्होंने बलिदान दिया तब जाके हम यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। इस धरती जिस धरती पर हम खड़े हैं, इस धरती पर जो है यहाँ फसलें सिर्फ पानी से नहीं सूखी गई, यहाँ खून से भी सूख गई है ना। तो इस चीज़ को हमको याद रखना चाहिए कि हम हमारे लिए इतना बलिदान दिया गया है, कितने लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों ने बलिदान दिया जिनका आप एक एजुकेटेड पर्सन को समझाते हैं तो आपकी बात समझने में देर नहीं लगाएगा, मतलब वो समझ जाएगा, आसानी से समझ जाएगा। अगर अनएजुकेटेड पर्सन को आप समझाते हैं तो हो सकता है
वो आपको भी बेवकूफ़ समझे, है ना। तो एजुकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, स्टैंडर्ड यानी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, तो आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब एजुकेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए सिर्फ हमको जॉब मिलना चाहिए तभी हम एजुकेशन लेंगे, ऐसा नहीं है। एजुकेशन जो है आपको जॉब नहीं, आपके जीवन को सुधारती है। आपका जो रहन सहन है ना, सिर्फ हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है हमारी जॉब लगेगी तभी हमारी एजुकेशन जो है मतलब सही से होगी, ऐसा नहीं है। एजुकेशन जो है आपकी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट देती है, और एजुकेशन ऐसी मतलब बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जिसको जो जितना पिएगा उतना ही ढारेगा। यानी कि आप जितना ही ज़्यादा एजुकेटेड होंगे आप उतना ही अपने अधिकार के बारे में जानेंगे, आप उतना ही आप जो है बढ़ चढ़ कर कहीं पर भी कुछ अगर दिक्कत होती है तो आप वहाँ पर अपना दिखाएंगे कि हाँ हम एजुकेटेड हैं और हम अपने अधिकारों को अभी वहाँ जानते हैं। तो एजुकेशन लेना मस्ट है, सबके लिए मस्ट है ना। और खाली हमारा उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए कि हाँ एजुकेशन, हाँ गांव में एक धारणा बनी रहती है कि हाँ अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी सरकारी जॉब होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर सरकारी जॉब के लिए, हाँ आपको मेहनत करना चाहिए। आपको मेहनत तब तक करना चाहिए जब तक आपका जो है लक्ष्य नहीं प्राप्त ना हो जाए। ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, आप पर डे 2 घंटे निकाल पाते हो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे आप जो है रोज दो। ये नहीं कि आज हमने 4 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 2-3 दिन के लिए हमने बिल्कुल छोड़ दिया, चलो तो पढ़ाई है, अरे चलो चलो ठीक है घूम आते हैं उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर 2 घंटे दे रहे हैं तो रोज़ की रोज़ आप 2 घंटे दो, ठीक है। आप पर डे का रूटीन बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप जब वो कोई चीज़ है आप रूटीन बनाते हैं, जब वो फॉलो करते हैं उस दिन तो आपको मतलब थोड़ा दिक्कत होगी कि हाँ हमको रोज़ ये काम करना पड़ रहा है ना। उसके बाद आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हम जो है कुछ संतुष्ट हो रहे हैं अपनी एजुकेशन से, जो हम पढ़ रहे हैं सही है। आप 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे मत पढ़िए, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पढ़िए। आप क्वांटिटी ऑफ आवर्स ना गिनिए कि हमने 4 घंटे पढ़ाई कर ली। अब 4 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद आप फोन पर लगे हो, है कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होने के बावजूद भी मतलब बस किताब खोले हो और बैठे हो, तो ये इस एजुकेशन से कोई किसी का लाभ नहीं होने वाला। आप 2 घंटे दीजिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और वो दोस्त बनाइए, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप 2 घंटे रोज़ पढ़ेंगे आपको संतुष्टि होगी, और 4 घंटे रोज़ पढ़ेंगे और आप उसमें डिस्टर्ब होकर पढ़ाई करेंगे तो वो कोई मतलब यूज़फुल आपकी एजुकेशन नहीं होगी। आप 2 घंटे दीजिए, अच्छे से पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। और लोगों का एम होगा कि आईएएस आईपीएस या पुलिस में या टीचर में या कुछ भी मतलब समथिंग है ना, कुछ भी बनने का उनके अंदर जज्बा होगा, तो उस जज्बे को बनाइए। अभी से जो है तैयारी कीजिए, बढ़िया से अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा फोकस एक ही एग्जाम पर करना, और आशा करते हैं कि इसी में से कोई ना कोई डिफेंस में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, हाँ कोई डॉक्टर बनेगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग जो है अच्छा से अच्छे अपना प्रदर्शन करें और अच्छे से अच्छे जो है अपना जो है 100% होते। शहीदों का सपना सब स्वतंत्र हुआ, आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से मेरा भारत देश गणतंत्र हुआ। न्यू स्पीड कोचिंग में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। आज हमारा भारत देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम उल्लास से मना रहा है। यह हमारा महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व के अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तब ब्रिटिश हुकूमत भारत में थी, तो उस समय
हमारे देश को पूर्ण रूप से चलाने के लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं थे। तब भारत में एक संविधान सभी गठित हुए, उसमें 7 लोग थे, पूर्ण रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। तो संविधान को लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन और 2 घंटे का समय लगा था। इसमें इसको बनाने में पूर्ण रूप से 63,96,729 रुपये की लागत आई थी। इसको प्रेम बिहारी नारायण जी ने लिखा था, फिलहाल बनके तैयार हुआ था। ये पूर्ण रूप से इंग्लिश में लिखा गया था, इसमें 251 पेज थे और इसमें इंग्लिश के वर्ड थे 117,370। छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे से स्टूडेंट छात्र और छात्राएं उन लोगों को अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे। जय हिंद जय भारत। पाते सभी पलट गए सुमन की चाल पे, अक्षर सभी पलट गए भारत की भाल पे, मंदिर पे आए मुल्क हर बना ताल के, सदियों के बाद तेरे बादल गुलाल के, हम लाए हैं तूफान ये किसकी निकाल के, इस देश को रखना कर के बच्चे संभाल के। जय जय भारत। मेरे प्यारे वतन तुझको शत शत नमन, दिल मेरा ये पुकारे वंदे मातरम, तू ही मेरा करम तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा ये पुकारे वंदे मातरम, तेरे मिट्टी की खुशबू मेरे सांसों में, तेरा एहसान दिल मेरे एहसासों में, तुझ पे निछावर है मेरे सारे जन्म, दिल मेरा ये पुकारे वंदे मातरम, तेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा ये पुकारे वंदे मातरम, तुझ पे कुर्बान मेरे लहू जिस्म जा, सबसे प्यारे वतन मेरा हिंदू सुता, चार दुनिया में तुझ शाना कोई चमन, दिल मेरा ये पुकारे वंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको शत शत नमन, दिल मेरा ये पुकारे वंदे मातरम, मर के भी फर्ज अपना निभाएंगे हम, हाथ रख दे दिल पर लेते हैं हम यह कष्ट, मेरे प्यारे वतन तुझ पे सत सत नमन, दिल मेरा ये पुकारे वंदे मातरम। वीडियो बनाने में जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना,
ये भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन और हर बाला एक राधा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डारे अपना डेरा, वो भारत देश तेरा, वो भारत देश तेरा, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण कावेरी बहती जाए, दक्षिण उत्तर पश्चिम पूरब में अमृत दिलवाए, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमगें कहीं होली के मेले,
आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार में कोई न ताला डाले। प्रेम की बंसी बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। Have a nice day everyone, respected teachers and all my dear friends. My name is Amitai, reading class 10th, new speed coaching class, and I wish you very happy public day to all of you. जिसके पैर खुद सागर आकर धोए आकर धोए, जिसके मुकुट हिमालय का सिर सोहे, हाँ सिर सोहे, जिसके मुकुट हिमालय का सिर सोहे, हाँ सिर सोहे, जिसके पैर खुद सागर आकर धोए आकर धोए, जिसके हृदय में हीरे मोती और सोने की खाने वो भारत देश हरा है, हमें प्राणों से प्यारा है। जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ, जय हो भारत माँ, जय हिंद जय भारत। छोटा सा दो वर्ड है और कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा हिंदुस्तान का। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, पंछी है जो इस बूंद में लहू गर्म, और तब तक भारत के आंचल में नीलाम नहीं होने देंगे। एक गाना पर गाना पर अच्छा जस्ट अरे यार मेरे तो बोले उठाएंगे अंग्रेजों के दिल को डराया, हंस हंस के फांसी पे चढ़े आजादी दिला गए वो हम सबके लिए, खुद को मिटा गए वो हम सबके लिए। सरदों पे जब भी किसी दुश्मन ने डेरा लगाया, जान की बाजी खेले उन दुष्टों को मारा भगाया,
हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप लोग जानते हैं, यह हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है और सर ने बताया था कि हम इसको जो है संविधान के इस दिन संविधान पूरी रूप से लागू हुआ था और 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था, तो उसको याद करने के लिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं। आप सभी लोगों के सामने छोटा सा कुछ प्रोग्राम सुनना चाहते हैं। यहाँ गलती क्षमा से प्यारा या गणतंत्र हमारा, हमें ज्ञान से प्यारा या गणतंत्र हमारा, और बलिदान तुम्हारा। दिल एक है और एक जान है, दिल एक है और एक जान है, हिंदुस्तान हमारा है और हम उसके शान है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है और देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। ना सर झुका है और कभी ना झुकाएंगे, ना सर झुका है और ना कभी झुकाएंगे, जो अपने दम पे जिए सच में जिंदगी वही है। ना जियो धर्म के नाम पर ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही धर्म है वतन का, इंसानियत ही धर्म है वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। तिरंगे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे हिफाजत करेंगे, तिरंगे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे हिफाजत करेंगे, तिरंगा 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 तिरंगा, नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है वतन को प्यार करना, गाँव में डूबे रहे हम ये हाल के दिल का कैसे कहें हम, लहरने लगेगा हो लहरने लगेगा तिरंगा हमारा, हाथ उठा कर सलामी करेंगे, तिरंगे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे हिफाजत करेंगे। जय जय भारत। पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, हमारा विनिगन वृंदावन से कम नहीं। छात्राओं और बड़े भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं 73वें गणतंत्र दिवस की, और हम आपके सामने एक छोटा सा देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहेंगे। अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज क्षमा कर देना। पुलवामा के हमले में वीरों ने जो जान देश पर वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन तुमको सुते रहो पड़ोसी को, जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उन दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। क्या बस गरीब माँ बाप ने रक्षा का बीड़ा ढाया है, जो एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। जो शहीद लिखते हो महसूस करो उस पत्थर को, अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को। जब देश में मातम फैला है तुम वफा निभाने जाते हो, क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। आजाद सिंह आजाद नहीं, आजादी का दम भरता है, बेबस दिल ये रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। जय हिंद। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, तेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे सारा
हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज़ें आई, कहो माँ से देवे, कहो बहनों से काम नहीं कुछ ले, बहन मुझसे नहीं बदली, बड़ी दिखाई दे। कहाँ? काला बस। हम ना देखो, हम ही हैं उसने बात में। जब जाते हो तो ठीक है। जिस तरह मानो से भला इस वक्त दिल को कौन पता नहीं ना भाई कौन सा हो गया रात रात रही है क्या नहीं है भाई जाओ दिसंबर पहले की पढ़ाई हो गई कौन से भरी है जून नहीं तो दोस्त देश हमारा गुलसिता होगा वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है भरम एक दोस्ती का था वो ऐसे आज टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुश्मन का गुमा होगा वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा सिपाही देते हैं आवाज माताओं को बहनों को हमें हथियार ला तो बेच डालो अपने गहनों को दौर में कुर्बान वतन का हर जवान होगा वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हैप्पी बर्थडे आई फ्रेंड्स कर चले हम फिदा जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर भी मारे था हमने ना झुकने दिया। आज पहली बार मुझे उपस्थित होने का मौका ही मिला। मौका तो बहुत मिला है लेकिन मैं शर्माता रहा हूँ बहुत। आज हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ है बैठने का मौका तो मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। अगर उन्होंने कुछ बातें लिखी उस संविधान में नहीं ना लिखी होती तो आज मुझे यहाँ पर बैठने का मौका नहीं मिला। हमें छोटी बहनों के लिए जो यहाँ बैठी हैं उनको भी यहाँ स्कूल जाने का अधिकार भीमराव अम्बेडकर ने ही दिया। ये बातें लिखी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी। जय भीम जय भारत। मेरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ लगती है उनके गहने वहने सब बिक जाते हैं देखो मतलब पैसे नहीं होते हैं कोई गिरो रख के मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को। देखा आप लोगों ने गांव में ज़्यादातर होता है शहर में जैसे कि जॉब करते हैं वो लोग खरीदते हैं और जैसे कि उनकी जॉब नहीं लग पाती है तो वो लोग बाहर कमाने जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं। तो उसमें शहरी है कि माँ के गहने तक बिक गए कि माँ के गहने तक बिक गए बच्चों की किस्मत बनाने में पर किस्मत वाले बच्चे माँ का चश्मा ना बना पाए सिर्फ पैसे बचाने में। हम भारत के बच्चे हैं आगे बढ़ते जाएंगे आए तो तूफान सामने हमको रोक न पाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं आगे बढ़ते जाएंगे हमें न समझो यूं ही हम हैं भारत माता की हमें न समझो यूं ही हमें न समझो काश मेरे जीवन में भी शराब की कोई शाम आए काश मेरे जीवन में भी शराब की कोई शाम आए मेरी जिंदगी भी मेरे वतन के काम आए नखाओ पाए लौट का ना हसरत है जन्नत की मगर जब शहीदों का जिक्र हो तो उसमें भी मेरा नाम है।
जान देंगे मगर जाने नहीं कश्मीर देंगे, जान देंगे मगर जाने नहीं कश्मीर देंगे, बढ़ाई टांगे तो टांगे करके चीर देंगे। बस हवाओं को इतनी बात बताया रखना, बस हवाओं को इतनी बात बताया रखना, रोशनी होगी मगर दीपक जलाए रखना, रोशनी होगी मगर दीपक जलाए रखना, लहू लकर की है जिसकी हिफाजत ऐसे तिरंगे को दिलों में बसाए। मरते दम तक करेंगे दुश्मन की हर गोली का हम सामना करेंगे, आजाद है आजाद रहेंगे, जय हिंद जय भारत। शुभकामनाएं आप सबको, मैं एक छोटा सा शहरी शहरी नहीं वो है तो सुनाऊंगा आप सबको, अपना मत शहादत कह रहे सबको, आप कफन मिलता है कुछ मछली वाले जिनको वतन जिनको तिरंगा कफन मिलता है, शहादत के लिए सबको कहा वस्त्र मिलता है, कुछ लोग नसीब वाले होते हैं जिनको तिरंगा कफन मिलता है, इसी के समय अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। तस्वीर ना देंगे हाथों में किसी गैर के, तकदीर ना देंगे कश्मीर भारत का, कश्मीर ना देंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे देंगे, जय हिंद। याद रखेंगे वीरो तुमको, याद रखेंगे हमारा है हमको तो जान से प्यारा, हमारा है। मिट्टी की इबादत बार बार करता हूँ, मिट्टी की इबादत बार बार करता हूँ, खुदा 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 रहे लोग में, खुदा खुश रहे लोग में, इबादत दुआ बार बार करता हूँ। पैसे से नहीं दिल से अमीर हूँ, पैसे से नहीं दिल से अमीर हूँ, सेहत पर खड़े होकर रखवाली में दिन भर करता हूँ। जागे हक के भूख भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को, उन वीरों को राखो नमन, झांसी की रानी जिसे भी गलियार नहीं मानी, भारत माता के भाजी और घर की कुर्बानी, उनके ही खातिर ये बिखरा है चमन, जिसे उन वीरों को सोचो नमन, सुखदेव भगत सिंह से गुरुदेव के बिखरे माटी के फंदे पे, वो हंसते हंसते मुस्कुराते फूलों की कहानी बाहरों लिखी, रातों की कहानी सितारों लिखी, हम तो मानते हैं भगवान से मेडिकल बाबा साहब को, क्योंकि उन्होंने हमारी कहानी संविधान से लिखी। सत्रहवें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बड़े ही हर्ष की बात है और दूसरी बड़े ही शर्म की बात, जानते हो क्यों? क्योंकि आज 26 जनवरी जो हम मना रहे हैं, यहाँ पे खड़े होने के लिए कितने लाखों लोगों की बलि चढ़ गई, और आज शर्म की बात इसलिए है कि हम लोगों को इतना अच्छा मौका मिलते हुए भी लोग यहाँ तक नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो? चढ़ी और लाखों लोगों की बहनों के जो भाई हैं वो छिन गए और आज भी छिनते जा रहे हैं, ताकि हम लोग सुरक्षित हो सकें, और हम लोग यहाँ पे चार दीवारी के भीतर अंदर सुरक्षित खड़े हैं, फिर भी केवल जय हिंद बोलने के लिए शर्मा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आने के लिए शर्माते, वो लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, 90% ये बात सही है, जो लोग यहाँ पे शर्माते हैं क्या वो आगे सक्सेस हो सकते हैं, बोलिए। मैंने जहाँ से इंटर किया था बालामो स्कूल से, वहाँ पे केवल लड़के ही पढ़ते थे, ऐसा कॉलेज था कि वहाँ पे जो जहाँ पे जैसे सर बुला रहे हैं वहाँ पे 2 मिनट का एक किसी को माइक पकड़ने का समय मतलब चांस नहीं मिलता था, एक बच्चा जाता दूसरे अपने आप बुलाने से आता, बिना बुलाया जाता था, यहाँ पे लोग आ नहीं रहे। जहाँ से जो एक बार आ जाता है वो प्रधानमंत्री के बराबर भाषण दे सकता है, अपना बात कह सकता है, जो यहाँ पे भाषण नहीं दे सकता वो अपने मम्मी पापा से खुल के बात नहीं कह सकता। कि दिल में जुनून
दिल में जुनून आंखों में देशभक्ति रखता हूँ, दिल में जुनून आंखों में देशभक्ति रखता हूँ, दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतना दम रखता हूँ। तुम लोग अपने अपने में दोस्तों दोस्तों में बातें नहीं कर पाते हो, बोल पाते हो। मैंने अपने खुद एक पोएम लिखी, वो आप लोगों के समक्ष सुनाने जा रहा हूँ। अगर कोई उसमें गलती हो तो तेज तेज से हंस देना। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर गलती होगी तो जो सुधरेगी, आप लोग हंस देंगे तो मुझे लगेगा कि ये गलती है, मैं सुधार सकता हूँ। ठीक है, सभी लोग शांतिपूर्वक और ध्यान से सुनेंगे। मेरे एक एक कविता का जो शब्द है उसको थोड़ा ध्यान सुनेंगे। ऐ वीर सैनिको तुमको सत सत नमन, तुमको सत सत नमन, जिस जमीन पे हुआ है जन्म ये तुम्हारा, वो भी गर्व महसूस करती है तुम पर, जान जाती है फिर भी वो मरते नहीं, जान जाती है फिर भी वो मरते नहीं, हम लोगों की चिंता में सोते नहीं। हे वीर सैनिको तुमको सत सत नमन, तुमको सत सत नमन, एक है हम लोगों को ये उन्हीं सदैव, गर्व से रक्षा करते हमारी सदैव, कभी पहाड़ पे कभी समुद्र में रहते सदैव कष्टों में, ए वीर सैनिको तुमको सत सत नमन, तुमको सत सत नमन, जय हिंद जय भारत। कुछ लोगों ने अपने बात कही और कुछ लोगों ने नहीं कही। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इन फ्यूचर अच्छा करेंगे, और शुभकामनाएं देता हूँ फिर से गणतंत्र दिवस की। आप लोग आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, देश का नाम, गांव का नाम, माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए। यही आप सबसे गुजारिश भी है और आपके लिए बस इतना। ठीक है, आगे ठीक है, आप लोगों ने अच्छा खासा समझ लिया। और हमेशा याद रखिए, गणतंत्र दिवस आज ही नहीं है, ये गणतंत्र दिवस हमारा हमेशा है और हमेशा रहेगा। ठीक है, आप लोग कहीं पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कहिए। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे
कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद जो लौट घर ना आए, जो लौट घर ना आए। ए मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माता, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं को एक
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी जो शहीद ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा। ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा। जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा।